नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबसे अपना क्रोटोन का कलेक्शन जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास जो क्रोटोन के प्लांट हैं वो उसकी सारी वैरायटी आपसे शेयर करूँगी। कुछ एक प्लांट मेरे पहले के हैं और कुछ मैंने अभी न्यू ऐड किए हैं अपने गार्डन में। क्रोटोन मेरा फेवरेट प्लांट है तो इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सारी। कुछ एक मैंने भी अपने गार्डन में ऐड करी है, अभी आपको ये दिखा रही हूँ पूरा, फिर एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा पौधा है, ये गार्डन की पूरी लुक चेंज कर देता है और इसके जो सुंदर लीव्स के कारण ही इस प्लांट को अपने घरों में लगाया जाता है। तो सबसे पहले ये जो क्रोटोन है इसको देखिए, ये ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है और इसकी पत्तियाँ भी मुड़ी मुड़ी सी हैं थोड़ी। काफ़ी सुंदर सा प्लांट है और इस पे न्यू सी शूट्स अभी और निकलने लगी हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये भी। हर क्रोटोन प्लांट की अपनी ही एक खूबसूरती है, अलग वेरिएशन है लीव्स में, कलर्स का। और ये देखिए, ये नई लीव्स इसकी येलो है और पुरानी में देखिए बीच की लाइन बिल्कुल पिंक और साइड में बिल्कुल पिंक है, और जो पहले की और पुरानी है उसे देखिए इसमें कितना पिंक कलर हो गया है। और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये जो इसके लीव्स हैं, काफ़ी शाइनी है। और ये इसकी बैक साइड देखिए, बहुत सुंदर कलर है इस पर। ये वाला जो क्रोटोन है उसमें बहुत ज़्यादा शाइन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये प्लांट। और बहुत छोटा सा प्लांट मैं लेके आई थी इसका, अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें कर ली है। तो अगला प्लांट ये वाला मेरा जो क्रोटोन है, इसकी पत्तियाँ लंबी लंबी हैं, कलर पिंक येलो ग्रीन कुछ इस तरह से है इसका भी, और इसकी पत्तियां जो है थोड़ी लंबाई में। बहुत सुंदर से प्लांट है क्रोटोन के, जो भी मुझे नई वैरायटी दिखती है मैं लेके आ रही हूँ अभी। फिर ये एक प्लांट है, इसकी पत्तियां जो है ग्रीन येलो और पिंकिश सा कलर है इसमें भी, और इसकी पत्तियां भी मुड़ी हुई हैं। जितने भी प्लांट आप देखेंगे उनमें काफ़ी फ़र्क है, अलग अलग है ये प्लांट है तो क्रोटोन, लेकिन क्रोटोन की वैरायटी का कोई भी अंत नहीं है। मैं बहुत सारी वैरायटीज़ की देखती हूँ, मतलब वीडियोस में भी, तो मुझे जो मिल रहे हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं। ये वाले को देखिए, ये लाइट ग्रीन है और बीच में येलो ऑरेंज, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन इनके बन रहे हैं। और अभी अभी मैंने लिए थे, रिपोर्ट किए, आप देख रहे हैं मेरे प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, कोई भी इनको रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगा, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एक अगला क्रोटोन ये है, इसकी पत्तियाँ डार्क ग्रीन है और लंबी लंबी हैं और इस पर पिंक कलर के डॉट्स हैं। देखिए इस पर देखिए कितने ज़्यादा पिंक कलर है, तो इसकी भी ग्रोथ हो रही है, इस पर भी नई लीव्स अभी आ रही हैं, तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं ये मेरे प्लांट। उसके आगे ये वाला जो क्रोटोन है ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो इसकी बीच वाली लाइन जो है वो डार्क पिंक है और साइड में येलो डॉट्स हैं और बैक साइड में भी थोड़ा पिंक सा कलर है इसमें। ये भी इसकी भी अलग ही खूबसूरती है, मतलब हर एक क्रोटोन अपने आप में बहुत सुंदर है। तो फेवरेट प्लांट है मेरा, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे क्रोटोन, ये गोल्डन डस्ट के दो प्लांट हैं, दोनों ही सेम ग्रोथ कर रहे हैं, काफ़ी बुशी हो गए हैं। और ये वाले में भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइन है, ऐसे लगते हैं पेंट से किसी ने इन पे छींटे मार दिए हों। और कितनी शाइन है इन दोनों प्लांट में देखिए, लीव्स में बहुत ही सुंदर है ये प्लांट भी, और बुशी हो गए हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तीन कटिंग इनमें लगी थी जब मैं लेके आई थी और वैसी की वैसी रही हैं, तो काफ़ी बुशी हो गए हैं अभी, ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रोटोन एक ऐसा प्लांट है जिसको देख के हर किसी का मन होता होगा कि हमारे गार्डन में ये प्लांट होना चाहिए, तो ज़रूर करके आप भी इस प्लांट को ऐड करें अपने गार्डन में। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा प्लांट लें, छोटा प्लांट लें, उसके अपने हिसाब से उस प्लांट की ग्रोथ करें, प्रूनिंग करके उसे बुशी करें। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।